हेलो दोस्तों, मैं बिशन दत्त टिप्स ऑन लिविन से। आज हम बात करेंगे दोस्तों कलकत्ता और बेंगलोर की रेस है 16 दिसंबर की। पहले कलकत्ता की बात कर लेते हैं। कलकत्ता पहली रेस 1 बजे है, आखिरी रेस 4 बजे है और टोटल 7 रेस है। पहली रेस 1100 मीटर की है और 2 ईयर ओल्ड की है। अगर आप देखेंगे तो इसमें चारों के चारों घोड़े जो है नील दारा साजी के हैं, ट्रेनर। और यहाँ पे जो 3 नंबर, थोड़ा सा मुझे ज़्यादा समझ आ रहा है, स्नो लेपर्ड जे एच अरुल, एक कनेक्शन भी दिखने को मिल रहा है और ट्रैक भी खुद ही दे रहा है। तो 3 नंबर को यहाँ पे मैं पिक लेके चलूंगा, स्नो लेपर्ड। और बाकी वैसे तो यार एक तरीके से कोई भी जीत सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। और सेकेंड रेस दोस्तों यहाँ पे 1400 मीटर के क्लास 4, और यहाँ पे जो मैं पिक लेके चलूंगा 1 नंबर रॉकेट मैन। लास्ट टाइम काफी इम्प्रेसिव विक्ट्री थी यार सी ड्रैगन को, क्लास 5 में जो टाइमिंग करी है 14:58 की, 6.25 लेंथों से ट्रेवर ने विन कराया था घोड़े को। और क्लास प्रमोट कर रहे हैं, क्लास 5 से क्लास 4 जा रहा है, सेम वेट जा रहा है, जॉकी स्विच है, ट्रेवर बैंगलोर में है, नीरा रावल बैठी है यहाँ पे। और दूसरा घोड़ा यहाँ पे पिक लेके चलूंगा 5 नंबर पाइगस यस नेडू। लास्ट टाइम बर्मीज के साथ में गुड थर्ड हुआ है, उससे पहले यूवी के साथ में गुड सेकंड, जॉकी फाइन हुआ था। और यस नेडू के नीचे उम्मीद करते हैं इस बारी एक बेटर रन देखने को मिले। 1-2 के बैट है, दो घोड़े समझ आ रहे हैं। थर्ड रेस 1100 मीटर क्लास 4 की है। यहाँ पे जो घोड़े समझ आ रहे हैं यार, 4 नंबर यूवी नॉक कर रहा है, पीएस चौहान बैठा दिया इस बारी। और 100 मीटर शॉर्ट जाना है, उम्मीद करते हैं स्टार्ट टू फिनिश देखने को मिले। और फ्रंट रनर है वैसे। और दूसरा घोड़ा यहाँ पे मैं पिक लेके चलूंगा दोस्तों 8 नंबर फ्लेमिंगो रोड। ये बैंगलोर से आ रहा है घोड़ा, बी महेश और वी आर जगदीश कनेक्शन, फ्रंट रनर जा सकता है घोड़ा। और यहाँ पे बिल्कुल इस घोड़े का भी चांस बनता है, मूक भी दे रहे हैं घोड़े को यार एक। चौथी रेस 1400 मीटर क्लास 3 की है और यहाँ पे मैं सिंगल पिक लेके चलूंगा 1 नंबर क्लिफोर्ड। लास्ट टाइम गुड सेकंड हुआ है मैरोपी के साथ में, बढ़िया रन था यार। और क्लास है घोड़े की, उम्मीद करते हैं टॉप वेट में जे एच अरुल के नीचे जीते घोड़ा। उसके बाद आ जाते हैं दोस्तों 5वीं रेस 1400 मीटर की क्लास 2 की, और यहाँ पे जो मैं पिक लेके चलूंगा फिर नील दारा सा जी और जे एच अरुल कनेक्शन, 2 नंबर आर्टिमिस इग्नेसिया, मतलब कार्ड कहीं ना कहीं पे नील दारा सा जी पे ही दिख रहा है, ट्रेनर अच्छे घोड़े डाले हुए हैं, है ना। बाकी यहाँ पे यार स्विफ्ट ने लास्ट टाइम बीट किया था, आप देख सकते हैं, और क्लेवर हंस है, लास्ट टाइम स्लो निकला था। विनय जायसवाल सेम जॉकी जा रहा है अपसेट में, ये भी है, बाकी ऑलमोस्ट सारे घोड़े वही हैं यार इसमें। मैं आर्टिमिस इग्नेसिया को लेके चलूंगा, उम्मीद करते हैं इस बार ही जीते यार। 6वीं रेस द कलकत्ता गोल्ड कप है, ग्रेड 2 की रेस है 1600 मीटर की। यहाँ पे जो मैं पिक लेके चलूंगा दोस्तों 4 नंबर सेविचिक पी एस चौहान। 1400 मीटर में तो नो डाउट यार, शायद ये मतलब बिल्कुल स्ट्रांग कंटेंडर में आ जाता, बट 1600 जाना है और 1600 जा सकता है, यही एक थोड़ा सा वेट के हिसाब से ठीक दिख रहा है। बाकी 1 नंबर ए स्टार इज बॉर्न 62 किलो में जाना है घोड़े ने, और लास्ट टाइम इंप्रेसिव विक्ट्री थी सूरज नेडू के नीचे, और सूरज भी बैंगलोर है तो यहाँ पे यस है बैठा हुआ, और यस अच्छी राइडिंग कर रहा है फिलहाल कलकत्ता में। तो उम्मीद करते हैं ए स्टार इज बॉर्न, मतलब दोनों में फाइट देखने को मिले। बाकी ऊपर के घोड़े हैं, कुछ और भी हैं यार, 1-2 की बैट वैसे ही है सारी रेसों में। 7वीं रेस 1200 मीटर क्लास 1 की है, यहाँ पे जो मैं पिक लेके चलूंगा पांच नंबर टाइम एंड टाइड। ये काफी इंप्रेसिव जीता है और काफी फास्टेस्ट घोड़ा है यार, बट एक ही बार जब चौहान के नीचे प्लेस आउट हुआ था, मतलब 6 घोड़ों में तीसरा हो गया था, उस दिन प्लेस भी 40 पैसे में बहुत लगी थी घोड़े की, 40-50 पैसे में। अदरवाइज अगर रन देखेंगे 1200 मीटर में यार काफी स्पीडी घोड़ा है, और 12:57 की टाइमिंग करके पौने 10 लेंथों से जीता हुआ लास्ट टाइम चौहान के नीचे। नीरा रावल बैठ गया है लोअर वेट में, वो क्लास 1 जाना है, बिल्कुल ये घोड़ा बनता है यार। और दूसरा घोड़ा इस रेस में मैं पिक लेके चलूंगा 1 नंबर गोल्डन ऑक्स,
पीएस चौहान, लास्ट टाइम ब्लड वेजल का इशू रहा था यार, और ये घोड़ा भी कहीं ना कहीं पे याद होगा आप लोगों को, फ्रंट रनर है और पद्मभान जी के पास था किसी टाइम पे, तो इस घोड़े पे भी पोटेंशियल है। तो सेवी चिक को बिट किया हुआ है शॉर्ट हेड से, तो इस घोड़े को पिक लेके चलूंगा गोल्डन ऑक्स। बाकी तीसरा घोड़ा यहाँ पे जो मुझे दिख रहा है, एक तीसरे घोड़े की भी बात कर लेते हैं, टू मार्शल हिंदू सिंह वाला घोड़ा है ना, ये भी लास्ट टाइम स्लो निकला था और डेल्फिनी के आगे भाव अगर आप देखेंगे 60 पैसे का था, बट मुझे टाइम एंड टाइड लग रहा है कि यार दोबारा परफॉर्म करना चाहिए घोड़े ने। और गोल्डन ऑक्स, टू मार्शल, तीन घोड़े, बट पिक आपके आगे 5 और 1 में। उसके बाद आ जाते हैं दोस्तों बेंगलोर की रेस में। पहली रेस 1:45 में, आखिरी रेस 5:15 में। पहली रेस मेडन रेस है, 3 नंबर इल्वोलो वोलो को एक रन का बेनिफिट है, लास्ट रन का स्लो निकला था, रन ठीक था। और एक दूसरा घोड़ा यहाँ पे जो है 5 नंबर रन फॉर द सन, ट्रैक ठीक जा रहा है, तो पिक में मैं मतलब 5 नंबर को लेके चलूंगा यार, रन फॉर द सन। ये घोड़ा यार सरप्राइज भी कर सकता है और यहाँ पे मुझे लगता है प्लेस कंटेंडर बन सकता है, तो 5 नंबर, क्योंकि 3 नंबर है बट मुझे लग रहा है 5 नंबर सरप्राइज ना कर दे। और मैं जैसा बुक देख रहा हूँ, बुक में 5 नंबर को यार डे बेस्ट करा हुआ है, तो ये थोड़ा सा इसको भी मैं थोड़ा सा कंसिडर कर रहा हूँ कि क्यों करा है, तो वो सारी चीज़ें पढ़ने के बाद 5 नंबर। सेकेंड रेस 1200 मीटर की है, क्लास 4 की, नो व्हिप रेस है। इस रेस को मैं स्किप लेके चलूंगा, कोई घोड़ा यार ऐसा कंटेंडर में दिख नहीं रहा है। स्लाइस ऑफ हेवन है और सिंह साहब है, ये कुछ घोड़े हैं स्टेप टू डेस्टिनी, बट 8 पावर काफ़ी लंबे समय के बाद भाग रहा है, खैर इसके भी लेके चलूंगा। थर्ड रेस 1400 मीटर क्लास 4 की है, इस रेस में जो मैं पिक लेके चलूंगा, 2 नंबर ब्रिज ब्लसर, लास्ट टाइम चौथा हुआ आर्मरी के साथ में, फ्रंट रनर था, उससे पहले एयरक्राफ्ट के साथ में गुड सेकंड हुआ था, बढ़िया रन था यार वो। और फिर इस बारी 200 मीटर शॉर्ट जाना है, तो स्टार्ट टू फिनिश कर सकता है विवेक जी के नीचे। और दूसरा घोड़ा इस रेस में पिक लेके चलूंगा, 1 नंबर ट्रैम्प ए एस पीटर के नीचे, ये घोड़ा है गिनीज वगैरह और भी अच्छी क्लास देखी हुई है घोड़े ने, मैडम रिच के साथ में बढ़िया रन नहीं था, बीएल पासवान के नीचे ए एस पीटर बैठ गया, 1 किलो का अलाउंस है, बिल्कुल यार यहाँ पे सरप्राइज नज़र बनाए रखना इस घोड़े पे यार। चौथी रेस 1200 मीटर क्लास 3 की है, और यहाँ पे जो मैं पिक लेके चलूंगा, 2 नंबर सोलो प्रिंस, कंटिन्यू परफॉर्म कर रहा है घोड़ा यार, और उम्मीद करते हैं एक और बेटर रन देखने को मिले, है ना, 1-2-3, 1-2-3 में ही रह रहा है घोड़ा। और दूसरा घोड़ा इस रेस में मैं पिक लेके चलूंगा दोस्तों, 4 नंबर चुलबुल रानी, ये सोलो प्रिंस के साथ में अगर आप देखेंगे ड्रिफ्ट आउट हुआ था घोड़ा, तौसिफ खान ने राइड किया था, फ्रंट रनर है और गुड सेकेंड हुआ था, ज़्यादा बीटिंग थी नहीं, तो ये यार सरप्राइज कर सकता है चुलबुल रानी, तो इस पे मुझे लग रहा है कि ये करेगा कुछ यहाँ पे। पांचवी रेस 1600 मीटर क्लास 1 की है, 1-2 की बैट है, 1 नंबर 2 नंबर यू कैन, बढ़िया रन था 1400 का, बट इस बार 1600 जाना है। मैं पिक लेके चलूंगा 3 नंबर सेंटोरिनो, इरफान गटाला जी का यार ये घोड़ा, पोटेंशियल है इस घोड़े पे, और जब इंक्वायरी भी ओपन हुई थी, जॉकी सस्पेंड हुआ था सकले, जब फायर पावर के साथ में गुड थर्ड हुआ था, फिर एवाल्डो के साथ में अभी गुड सेकंड हुआ है, घोड़ा यार एलेक्स रोजारियो के नीचे मैं उम्मीद करता हूँ जीते। मैसूर से बेंगलोर में एक मोक दी गई है घोड़े को, और एलेक्स रोजारियो ही दे रहा है, बिल्कुल यार यहाँ पे जीतने के चांस बनते हैं। उसके बाद छठी रेस 1600 मीटर की है, वैष्णवी बेंगलोर 2000 गिनीज ग्रेड 2 की रेस है, यहाँ पे जो मैं पिक लेके चलूंगा दोस्तों, 6 नंबर टच ऑफ ग्रे सूरन नेडू, कुछ कहने की जरूरत है नहीं घोड़े के बारे में ना जॉकी के बारे में, नो डाउट घोड़े के रन यार जो इम्प्रूव, जब मैंने जब यश के नीचे एक बार घोड़ा पिटा था 2 बारी बेसिक से, आप ये कह सकते हैं दोनों बारी के बाद ही, मतलब जब सूरज जब जब बैठा है, मतलब मेरे ख्याल से सारे ही रन जीता हुआ घोड़ा है यार, है ना, तो ये घोड़ा मुझे लगता है कि फिर इस फील्ड में पिटेगा। बाकी एक घोड़ा और है जो नोटी चामर, ये घोड़ा भी यार टॉप कंटेंडर की लिस्ट में दिख रहा है मुझे इसी के साथ में, तो मैं उम्मीद करता हूँ इन दोनों में एक अच्छी
बैटल देखने को मिले रेस। और उसके बाद सातवीं रेस दोस्तों 1200 मीटर की रेस है, नो व्हिप। और यहाँ पे जो मैं पिक लेके चलूंगा, 3 नंबर इंडियन ब्लूज, पहला रन 1100 का बड़ा मतलब बढ़िया था सीजन का, बीवी ऑन किए थे। फिर उसके बाद जो लास्ट टाइम जीता है जिस हिसाब से एंटनी राज के नीचे, इस बार विदाउट विप है। और 5 नंबर का ड्रॉ है, ड्रॉ भी ठीक है, फ्रंट रनर है, 1200 मीटर में बिल्कुल चांस बनता है, उम्मीद करते हैं जीते। और दूसरा घोड़ा इसी रेस में दोस्तों 10 नंबर ऑक्सीटोसिन, ये ए आर प्रदीप के नीचे, घोड़े पे पोटेंशियल है बट लास्ट टाइम भी यार प्लांट हो गया था गेट से, अगर सही निकलता है तो उम्मीद कर सकते हैं कि घोड़ा एक बेटर रन दे। बाकी मोक दे रहे हैं घोड़े को, एक देखते हैं मोक का क्या रिजल्ट रहता है। उसके बाद 8वीं रेस में आ जाते हैं, 1600 मीटर क्लास 5 की रेस है, तो ये रेस भी यार काफी मुझे कॉम्प्लिकेटेड दिख रही है। कुछ घोड़े जैसे क्लास डाउन कर रहे हैं तो वो भी घोड़े परफॉर्म कर सकते हैं, और कुछ घोड़े जीते हुए हैं जैसे रशियन रोमांस जीता है लास्ट टाइम, बट 1200 का डिस्टेंस है इस बारी, है ना, डबल विजन है पी सिद्धा राजू के नीचे। इस जॉकी को भी यार विप मिलनी चाहिए जल्दी, बढ़िया राइडर है लड़का। बाकी ठीक है दोस्तों, ड्यूल सेंटर के लिए आप सभी को यार थोड़ा सा कंट्रोल रखें और समझे रेसों को, तब आगे जाके कुछ एक्शन लें। बाकी आप सभी को बेस्ट ऑफ लक और ऑल द बेस्ट मेरी तरफ से भाइयों। और इसके बाद मिलते हैं आपसे संडे की रेसों में, संडे को मुंबई है। ठीक है दोस्तों, बाय, टेक केयर मेरे भाइयों, बाय 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 बाय।